नांदेड़ टुडे न्यूज लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं नईम खान। नांदेड़ शहर में पिछले कई घंटों से हो रही बारिश के कारण नांदेड़ शहर के कई इलाके पानी में डूब गए, जिसमें फारूक नगर, बाबा नगर, गोकुल नगर, लालबड़ी, खड़कपुरा, दुलेशाह रहमान नगर, सैलाब नगर, हिंगोली गेट, खालसा स्कूल, बाफनाटी पॉइंट शामिल है। नांदेड़ शहर के वार्ड नंबर 12 में बारिश के कारण हबीबिया कॉलोनी, इकबाल नगर, ऐशा मस्जिद, मौसम्बिका मल्ला, गाड़ीगांव रोड के इलाके में कई घरों में पानी घुसने के कारण अनाज, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, टीवी, फ्रिज जैसे अनेक चीज़ों का जनता को नुकसान झेलना पड़ गया है। वार्ड नंबर 12 के इच्छुक उम्मीदवार मोहम्मद अली के मार्गदर्शन में इनके छोटे भाई मोहम्मद हाजी ने नांदेड़ टुडे से मुलाकात करते हुए बारिश के प्रभावित इलाकों का दौरा करवाया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने नांदेड़ टुडे से मुलाकात की। एक नज़र देखते हैं वार्ड नंबर 12 के हालात और सुनते हैं नागरिकों की समस्याएँ। गिर गया आगे आला पूरा, अभी पानी थोड़ा कम हो तो ऊपर बस के भेजे फेंके, पूरे गोदड़े फेंके, पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे खराब हो गए, हमारे घर में राशन खराब हो गया, ये सब अखबार लगा कर जो पानी डायरेक्ट नहीं निकाले, तीन गल्ले में छोड़ जाए, उसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही। उन्होंने अपनी सहूलत के लिए, अपने बजट के लिए, पैसे कमाने के लिए इधर शॉर्टकट रास्ते मारे और दूसरे गरीबों को परेशान कर रहे। पूरा चिंतित रहो घर में हमारे, देखो पूरा पूरा अनाज खराब हो गया क्या आपका? परेशानी है आपकी यहाँ पे? जिस दिन से बारिश चालू हुई उस दिन से परेशानी है, नालियाँ साफ नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, दो बार जाके बोले आला हूँ, कोई भी नहीं आया। कोई नगर सेवक, नगर सेवक के पास गए थे क्या आप? नगर सेवक के पास भी गए, कोई नहीं आया गली। क्या बोले नगर सेवक साहब? नहीं आते बोले, नहीं आते बोले, नहीं आते बोले। क्या बोलना था? पानी का, सारा घरों में पानी घुस गया, सब घरों में क्या अनाज है, पानी रात भर जाके काट रहे, क्या कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे कोई हमारा आके, घरों में रात भर पानी में जाग जाग के लोग निकाले, अनाज पानी भीज गए, कसलोरों के घर को मंगने गया ना क्या, सवेरे तो कोई काम नहीं करते हमारा, रात भर से पानी चालू है, पूरे घर में पानी घुस गया, तो कोई भी नहीं आया क्या? नहीं कोई भी नहीं आया, कोई भी नगर सेवक नहीं आया, कोई नगर सेवक है ना कुछ भी नहीं है, खाली आप आते हो टिंकू अम्मा पेट में मुंडिया डाली, बाकी कुछ भी नहीं आने वाले। अच्छा, रात भर से पानी फेंक रहे, रात भर से पकाना नहीं, खाना अभी तक चाय नहीं, पानी नहीं, कुछ बैठा ले पानी में अंदर। अस्सलाम वालेकुम, हमारे परेशानी सुनाई क्या फायदा, हम इतने परेशान हैं पानी की वजह से, नल है ना, रोड है ना, नाली है ना, कुछ है क्या, इतना बारिश का भी पानी घरों में भोजा रहा, देखो यहाँ पर इतना सब जगह पानी ही पानी, पकाना कैसा, खाना कैसा, रहना कैसा, अरे हमारा हम कुछ खाने जो सुकून से बोलते लीटरों को बोलने के बाद लीटर भी कुछ सुनने को खाली नहीं, आने को खाली नहीं, तो देखने को खाली नहीं, तो देंगे क्या, करेंगे क्या, आज तक क्या दी गवर्नमेंट ने तो अब देने वाली है, अरे नहीं तो नहीं दी, कम से कम मोड़ मोड़ देती तो डाल दो, कम से कम कहीं यहाँ पड़े वाला तो कचरा तो डालो, कम से कम सुकून से हमको तो रहने दो, हमको कोई अभी एक बात है, हर एक के घर में डिलीवरी होने वाली रहती, आपके भी घर में हो चुकी होंगी डिलीवरी, हो तो यहाँ से कैसे लेके जाएंगे, जब पैदल नहीं आ सकते, ऑटो क्या आएगा, एम्बुलेंस क्या आएगा, गाड़ी क्या आएंगी, तुमको भी मामाना है या नहीं है, कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि अपने पड़ोसी है, देसी है, बासी है, सब है, सब खाली बात से काम नहीं चलता, खाली बात बोलने बोलने से नहीं चलते रहता काम, सोचना चाहिए इंसान ने कि किसको क्या तकलीफ हो रही है, क्या कर सकते हैं हम, अरे इंसानी फरीजा तो निभाओ कम से कम। देखो तीन बजे से रात से हम लोग इतना परेशान है, इसकी कोई इंतजार नहीं, जो हमारा खाने पीने का सामान था तकरीबन जवारी गेहूं आटा जितना था सब भीग गया, और रात से तीन बजे से पानी फेंक फेंक के हम लोग परेशान है, और उससे पहले तो बहुत था पानी, लेकिन तीन बजे से ज्यादा बढ़ गया, इतना जो था घरों में पानी आ गया हमारे लोगों में, अभी और पानी होगा, अभी आपके सामने अभी जो सभी निकाल रहे हैं पानी अभी। देखिए ये इकबाल नगर का हाल है, आयशा मस्जिद के पास है, पूरा पानी है घर में, पूरा पानी जा रहा है, आधी रात से हम उठा रहे, ना नींद है ना चैन है, रात भर पूरा घर में से बर्तन बाहर निकल के आ रहे, एक एक गुठा के अंदर लेना पड़ रहा, पूरा बेहाल है हमारा, कोई समाधान नहीं, क्या नहीं, कोई नगर सेवक नहीं हमारे यहाँ का, किसी को जाके बोले तो कोई बोल रहा कि हमारा एरिया नहीं है। हाल हो गया यहाँ पे है कि नहीं, तीन का पैनल बन गया, अभी चार का पैनल बन गया, अब चार का पैनल बना के है कि नहीं, गलिया गलिया आके है कि नहीं, हमारा ख्याल करो, हमारा ख्याल करो, हमको पानी में रख रहे, इनका क्या ख्याल करने का, इनका कोई ख्याल करने का नहीं है, ये खाली मतलब परस्त लोग है, ये मतलब परस्त लोग को है कि नहीं मतदान करने का नहीं, ये मतलब परस्त लोग है, मतलब परस्त लोग को मतदान, जनता के सेवक रह के जनता को जागरण करने लगा रहे, जनता को हमाली करने लगा रहे, उन्होंने कि नहीं करोड़ों कमा रहे, जनता क्या मांग रही, रोड नाली पानी मांग रही, मारी सहायता नहीं कर रहे, माइक में बोलो, बहुत परेशान है हम पानी के वास्ते, तकलीफ हो रही, रात से कोई देखा नहीं आगे, हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे,
हाथों से पानी फेंक रहे हम यहाँ पे, हाँ आप लोग आके देखना नहीं गया क्या आप लोग? बारह नंबर वार्ड के इच्छुक उम्मीदवार का छोटा भाई हूँ मोहम्मद हाजी। हम लोग वार्ड नंबर 12 में जाकर सुबह में देखा कि बहुत पानी भरा हुआ है वार्ड नंबर 12 में। हबीबिया कॉलोनी, इकबाल नगर, मौसम्बी का मल्ला, आयशा मस्जिद में हम लोग गए तो देखा कि बहुत पानी भरा हुआ था वहाँ पर। लोगों के दीवारें गिर गई थी, बिस्तरा भीग गया था, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, राशन भीग गया। हमने वहां जाकर देखा कि वहां पर कोई भी पार्टी का कोई उम्मीदवार वहां मौजूद नहीं है। पब्लिक बहुत परेशान है, घरों में पानी है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो चुके हैं। हम ये गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि ये वहां हालात का जायज़ा ले जाकर और देखे किसका नुकसान हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ। आप लोग सब देखे जाकर हालात जायज़ा ले वहाँ का और जो लोगों के नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई करें। समाचार समाचार है, नमस्कार।